वंस अगेन आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। एंड बिकॉज हम आर्टिस्ट हैं, डेली मेकअप कर करके एंड वो ग्लैमरस लाइफ जी जी के भी समटाइम्स थक जाते हैं। एंड आज बहुत ही रफ एंड टफ लुक में, और मैं ये पीछे आप देख रहे हैं शेल्टर, तो शेल्टर आई हूँ मैं, और यहाँ पे गाय भी है, डॉग्स भी हैं, सभी लोग हैं। आशीष भैया, एक ये आशीष भैया जो मेरे साथ आए मेरी कॉलोनी के, और ये कुत्तों का भौंकना सुन के अपनी जान बचाते हुए दो दो डंडी के साथ भागते हुए। आशीष भैया नहीं काटेंगे आप। इनका नाम है आशीष बिलोरे, और ये डरते थे दो डंडिया उसके बाद भी डर रहे हो, शर्म नहीं आती? चलो इधर आओ। कोई कुत्ता मिल गया यहाँ का तो। प्यार करते हैं डॉग्स को, बट थोड़ा डरते भी है। ठीक है शेल्टर, धीरे धीरे। हाँ ये बच्चा है, ये कौन सा डॉग है? लासा, सिडजू लासा। एंड कोई अडॉप्ट करना चाहेगा तो बता देगा, अब गर्मी आ गई ना तो ये सब ऐसे ही हो जाते हैं। चलो 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 चलो, गाय भी हैं यहाँ पर। अच्छा खाने के बाद भी भौंक रही हो? चुप। सर सब बच्चे हैं यहाँ पे, शेल्टर है, गाय है, सब कुछ है। तुम कर रहे हैं मेरा, एंड डंडी मैंने थोड़ी सी अपनी मारती नहीं हो। दीदी वो भी खिला रहे हैं। एंड मंदिर भी है यहाँ पे, अगर आप लोग आए धार्मिक है तो इधर भी मंदिर पर आए। ये सब छोटे छोटे से बेचारे बच्चे, कुछ पैरालाइज हैं, कुछ कुछ एक्सीडेंट हो गया, किसी की माँ मर गई। हाँ ये छोटा बेबी, मेरे पास आ गया। टिंकू है ना, ये टिंकू है ना? ओ नो ओ नो, काम करना है ना। ये टिंकू, टिंकू दिया। ये छाया दीदी है, सबके लिए खाना लेकर आई है। हमारे पशुओं के देवता भैरव बाबा, खासतौर से डॉग्स के, कुत्तों के बोलते हैं, श्री काल भैरवाय नमः। और पूरे भारत देश में सिर्फ एक ही नारा गूंजता है, जय श्री राम जय श्री राम। क्या नाम है इसका? किट्टू। श्री विशाल जी है, इनका ये पूरा शेल्टर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बेजबानों के लिए। किट्टू जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। एक बार सो फाइनली शेल्टर से आ चुके हैं, एंड पेट्रोल भराया, एंड क्योंकि थक गए थे तो थोड़ी देर यहीं बैठ जाए। फर्स्ट व्यू बहुत अच्छी है यहाँ पे, आप भी देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम पेट्रोल पंप इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बकायदा गार्डन बनाए हैं इधर। ठीक है टैंक है, बट आप बैठ सकते हो अगर आपको बैठना हो तो। कहे का है, कौन सा पेट्रोल पंप है ये? नायरा पेट्रोल पंप। नीलगढ़ वाला रोड है, हाईवे जाता है पूरा साक्षी ढाबा वाला। सो फाइनली अब हम जाने वाले हैं घर, एंड बच्चों से मिल लिया, बिल्कुल बहुत सुकून, बहुत तसल्ली मिली कि मेरी भी एक दो डॉग है वहाँ पे जो मेरा लाइफ से रिकवर हो गया, बच्ची हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। एक पपी था, इसकी प्रॉब्लम थी, अभी ठीक है। एक अभी हमारी कॉलोनी का है जो बहुत ज़्यादा बात मचा रहा है, उसको भी मैं सोच रही हूँ अभी कुछ दिन रख दूँ, इससे वो भी थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। इनके लिए भी टाइम निकाल के काम करना ज़रूरी है, ये नहीं कि सिर्फ हम अपने काम में मनी मेकर बन के तो पैसे कमा रहे हैं।
आप तो ये पैसे कमाइए, काम करिए फैमिली के साथ, लिटिल बिट दिन भर में 15 मिनट तो निकालिए इन बच्चों के। तो चलिए आप सभी भी, मैं चाहूँगी सभी के दिल में करुणा, दया और बहुत सारा प्यार हो, और आप भी पेड़ों से और एनिमल्स से प्यार करें। थैंक यू सो मच एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लव यू ऑल।